कंप्यूटर साइंस का जो भाई है वो है हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब आईटी जो बेटा ब्रांच है ये कंप्यूटर साइंस अब ये क्यों बनी मैं आपको बताता हूँ। कॉलेजेस के अंदर जैसे जैसे हमारी कंप्यूटर साइंस की सीट्स बढ़ाते गए, पहले किसी कॉलेज के अंदर मैं अगर आपको बताऊं हमारे टाइम पे एनआईटी के अंदर सिर्फ 50 सीटें होती थी कंप्यूटर साइंस ब्रांच की, अब वो बेटा भर बढ़ के अब 200 सवा 200 कई कॉलेजेस के अंदर 250 300 तक भी टच हो गई। अब डेफिनेटली बेटा उसकी एक लिमिटेशन है, इससे ज्यादा तो अब वो सीट्स किसी एक ब्रांच के अंदर उनके पास हॉल ही नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, क्योंकि डेफिनेटली ये कंप्यूटर साइंस इन डिमांड इतनी ज्यादा है, उन्होंने उसी का एक छोटा भाई बहन बना दिया है और उस छोटे भाई का नाम जो है वो है हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इसको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है ना, वैसे वो अलग भी आती है कई कॉलेजेस के अंदर IT/SE है ना, तो IT/SE सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी जो है वो भी इसी के भाई है। तो उन्होंने इन ब्रांचेस को क्रिएट कर दिया है, ये सारी ब्रांचेस जो है बेटा ये हमारी आपकी इंक्लूडेड है CS के अंदर ही। कंपनीज 99.9% जो है कंप्यूटर साइंस और आईटी वाले बच्चों को सेम मानती हैं, बस हार्डली कोई एक दो कंपनीज हैं जो थोड़ा सा स्पेसिफिक आईटी प्रोफेशनल की रिक्रूटमेंट को कंसिडर करती हैं, जैसे सिस्को एक बहुत बड़ी कंपनी है, नेटवर्किंग की एक बहुत बड़ी कंपनी है सिस्को, वो सिर्फ आईटी जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए बच्चों को थोड़ा सा ज्यादा एडवांटेज देती है कि यार हमें इन वाले बच्चों को ज्यादा चाहिए है ना, जो बेसिकली राउटर्स की एक कंपनी है, कैसे आप बेसिकली मल्टीपल सिस्टम्स को कनेक्ट करते हैं आपस में। तो अगर मैं इस ब्रांच के बारे में आपको बताऊं, इस ब्रांच का बेटा मेजरली जो हमारा पार्ट रहता है वो ये रहता है कि आप लोगों को बहुत सारे जो सिस्टम्स हैं उनको कैसे कनेक्ट करना है। अब कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग क्या है, जरा मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना है ना, अब ये जो है ना ये बेसिकली बड़े स्केल की इंजीनियरिंग होगी। अब इसमें आप इसे ऐसे समझो आपके पास बेटा एक लैपटॉप है, अब इस लैपटॉप के अंदर बेटा तीन चार चीजें हैं, ये लैपटॉप का हार्डवेयर क्या होगा, इस लैपटॉप के अंदर सॉफ्टवेयर कौन से आएंगे, जो भी आप जानते हैं अंदर एक्सेल है, पावर पॉइंट है, दुनिया भर के सॉफ्टवेयर हैं। तो लैपटॉप है, लैपटॉप का हार्डवेयर हो गया, लैपटॉप का सॉफ्टवेयर हो गया, लैपटॉप के अंदर बहुत सारे फीचर्स हो गए, उन सब की एक कोडिंग होगी, कोई एक बेसिकली प्रोसेस है जो हमारा प्रोसेस होने में 20 मिलीसेकंड लेगा। अब इसे ऐसे विजुलाइज करो, अगर ये एक लैपटॉप है, ये एक लैपटॉप को बनाना, इसके अंदर सॉफ्टवेयर डालना, वो है हमारा कंप्यूटर साइंस इंजीनियर का काम। अब मान लो यार ऐसे 100 लैपटॉप्स हैं किसी एक कंपनी में या किसी एक शहर में, अब उन सभी लैपटॉप्स को आपस में कनेक्ट करना, वो जुड़े रहे और उन सभी को एक क्लाउड के साथ जोड़ना, और ऐसे बहुत सारे क्लाउड्स दुनिया में एग्जिस्ट कर रहे होंगे जहां से ये सारे कनेक्टेड होंगे, उन क्लाउड्स का आपस में है ना एक कम्युनिकेशन रखना, तो बड़े स्केल का सोच लो, कुछ सैटेलाइट टाइप्स का सिस्टम है, बहुत सारे लैपटॉप्स हैं जिनसे जुड़े हुए हैं क्लाउड के साथ। तो ये जो है हमारा, ये हमारा आईटी प्रोफेशनल्स करते हैं, और जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं वो क्या करते हैं, इन्हीं के लैपटॉप के अंदर फीचर्स तो हैं, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर ने बना दिया, अब उन्हीं सिस्टम्स को और एफिशिएंट करना, जो कोड हमारा 20 मिलीसेकंड में प्रोसेस हो रहा था उसको 1 मिलीसेकंड तक लेके आना, वो हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियर के बच्चे जो है वो हमारा करते हैं। है ये भाई बहन ही, बट आपको पता होना चाहिए इनके अंदर बेसिकली काम के अंदर क्या हमारा फर्क रहता है। तो आईटी प्रोफेशनल्स की बेटा जो हमारी जॉब प्रोफाइल्स रहती है, एप्लीकेशन डेवलपर, अब जो हमारी एंड्रॉइड की जो एप्लीकेशन डेवलपर्स हैं, आईटी प्रोफेशनल्स बहुत ज्यादा आ रही हैं। आपको पता है आज की डेट में हर छोटे से छोटे, बड़े से बड़े स्टार्टअप को, बड़े से बड़े एस्टेब्लिश्ड कंपनी को अपनी ऐप बनानी पड़ती है। तो ये सारे बच्चे डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, वेब डेवलपर, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, आईटी सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट, कंप्यूटर प्रोग्रामर, डेटा साइंटिस्ट, तो समझ रहे हो। तो मतलब जो हमारा मल्टीपल बिजनेस, बेसिकली ये जो है ना, ये जो हमारी आईटी की ब्रांच है ये थोड़ा सा बिजनेस सेंट्रिक ज्यादा है, जो हमारी मार्केट में जिसकी ज्यादा डिमांड है, जिससे आप अपने आप को ज्यादा एम्प्लॉयबल बना सकते हो, ठीक है। तो उन्होंने बेसिकली क्या किया, आने वाले समय के अंदर, अब क्योंकि कंप्यूटर साइंस हमारी सबसे पुरानी कोर ब्रांच है, अब आने वाले टाइम के साथ आप देखेंगे बेटा ऐसी ब्रांचेस इवॉल्व हो रही हैं जो आपको प्रोफेशनली इक्विप्ड बनाती हैं और आपको बिजनेस सेंट्रिक बातें बताती हैं, कैसे बिजनेस आपका इंप्रूव हो सकता है और जिसकी ज्यादा बिजनेस के अंदर, बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर बच्चों डिमांड रहती है। अगर मैं आपको बेटा बताऊं CS, COE, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, अब CSE जो है ना ये हमारा IIT में होता है, ये हमारा NIT, बात सब भाई बहन ही है, ये NIT में होता है। CSE जो होता है बेटा, अच्छा मैं आपको बता दूं बेटा, IIT सिर्फ COE देती है, बहुत सारी ऐसे और कॉलेजेस हैं जहां पे CS, IT, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सब मिलती है आपको, ठीक है, लेकिन IIT सिर्फ आपको ये देती है। अब ये CSE जो है ये IIIT के अंदर यूज की जाती है, IIT और SE जो है बेटा ये हमारी बहुत सारी और कॉलेजेस के अंदर हमारी स्टार्ट हुई, सब एक ही है। इनके अंदर जो सबसे ज्यादा कॉमन सब्जेक्ट्स है बेटा मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। अब इनमें से भी बेटा जो मैं आपको बताऊं, डेटाबेस मैनेजमेंट, ये दिमाग में रखिएगा बात बच्चों, है ना, ये जो कंप्यूटर साइंस के हार्डकोर सब्जेक्ट है ना, डेटाबेस मैनेजमेंट है और डिजिटल लॉजिक डिजाइन है बेटा, और हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और ये नेटवर्किंग सिस्टम। ये जो आप टॉपिक्स अपने साथ देख रहे हैं ये बहुत हार्डकोर टॉपिक्स है कंप्यूटर साइंस के अंदर। डेटाबेस मैनेजमेंट अगर आप जानते हैं बेटा, हमारी प्रोफेशनल इंटरव्यूज के अंदर बच्चों से पूछा जाता है, और ये सभी सब्जेक्ट्स आपके इन सब ब्रांचेस के अंदर भी आते हैं। मैंने जैसे आपको बताया 99.99% हमारी चीजें सेम रहती हैं, कुछ खास बस इक्का दुक्का कंपनीज हैं जो थोड़ा सा अलग से आईटी और सॉफ्टवेयर इंजीनियर को या CS को अलग से थोड़ी प्रेफरेंस देती हैं, 99% जो चीजें हैं वो हमारी सेम रहती हैं बच्चों, ठीक है जी। और ये जो है हमारे हार्डकोर सब्जेक्ट्स, जो भी बच्चे इन ब्रांचेस को लें,
आप बेटा ध्यान रखना मेरी इस बात को, आपको इन सब्जेक्ट्स को जब भी आपको कॉलेज के अंदर पढ़ाया जाए थोड़ा सा ढंग से पढ़िएगा, बिकॉज इवेंचुअली प्रोफेशनल जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं वो आपको इन्हीं के बारे में ज्यादा पूछते हैं, इन्हीं के ऊपर ज्यादा ग्रिल करते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपनीज के ऊपर, ठीक है जी। और कोई बच्चा अगर कंप्यूटर साइंस मान लो नहीं भी कर पा, उसको वो नहीं भी मिल रही, तो बेटा ये तीन चार सब्जेक्ट्स अलग से कर लो, आजकल सबके ऑनलाइन कोर्सेज हैं।